तेन कह झाड़ी पे अमरूद लग गए हैं कदे भाई टीचर कवे कद पट्टर ने बोलो कि टीचर ज्यादा हो गए अध्यापक मेरा टीचर कौन है अध्यापक कौन है अगर तुम इबी नहीं जागे तो सबका नंबर आना का कोई कान खोल के सुन लिया बात बिना कसूर अगर किसी पर केस भी डालनी अब की बार कोर्ट में खिलाफ केस डालेंगे ये सरपंच है नहीं जो ये सरकार के दल्ले बन के ये साइन रियल हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों मनजीत कुंडू कनाल के राम राम। आज पहुंचे बदवाला टोल पर कमेटी का एक अंतिम फैसला आ चुका है जाने पूनम रेड्डू से राम राम जी राम राम। आज कमेटी का अंतिम फैसला है के फैसला आज देखो फैसला तो भाई का करा बीमारी कीमत तो भेड बकरिया जितनी हो रही है रखी खत्म हो रही है मारे आदमी जावे है फिर ये कदम मुआवजा दे देंगे नु दे देंगे जिसका घर आदमी जाओ उसे ना मेरा पटा भाई के बात है और जो जिस डीआईओ डीपीओ ने जिसने मर गला इतना गलत वो करे जिसने मामा अपनी अपनी जमीन ने और अपनी खेती ने भाई अपने बाले की डाल पाला उसने मारा पर उसको पर ट्रैक्टर चढ़वा दिया उसका भाई का कराना टेम उस गले सा काम हो जाएगा अनाज ने मारा दाना दाना ने भी तरसेगा ऐसा टेम आओगा और भाई प्रशासन ने देखो चलो भाई इनका जो हाथ में इतना कराया है भाई दो नौकरी दी है लेकिन डीसी रेट पे ऐसा दे नौकरी तो सरकारी तो रही नहीं डीसी रेट पे हो दोनों ईसा वो नौकरी सी थी ये भाई जो मतलब अटा नहीं गए मतलब आज का तो भी मेरा भाई सरकारी नौकरी है नहीं सब कौशलता है पाओगे नौकरी पे और मतलब मुआवजा की तो देखो भाई मुआवजा भी लग पक्का होया को नहीं और सबसे बड़ी बात है जो भाई जिसने हमारा खेत में मतलब ट्रैक्टर चलाओ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए उसकी कार्रवाई पर हम जब संतुष्ट होंगे जब मतलब तीन कमेटी में मेंबर लिए हैं दो मतलब प्रशासन की तरफ का एक अपनी कमेटी में तो लिया जाओगा मामू चाह भाई उस पर कड़ी का कड़ी कार्रवाई हो जिसने हमारा ताऊ चला गया उसकी वजह से लेकिन कुछ किसान ऐसे है जिस पर केस दर्ज होया है लेकिन उनका युक्ति को प्रूफ नहीं हुआ है किस कारण केस दर्ज होया है उनका क्या होगा देखो भाई केस वापिस कह दिया प्रशासन ने केस वापिस हो जाएगा और भाई केस भी वापिस कौन से है केस तो मामला करने चाहिए थे प्रशासन आना पे जिसने मारी सरकार को नहीं मारा यो काम हो गया लेकिन आज यहाँ सरकार की भाई सरकार झुका दी जिसने हमारे आज 80-80 साल के ताऊ खड़े थे आज जिसे हमारे ने केस करके 15-16 पे हमारे पे केस था भाई जो हमारे गांव के किसान थे आज उन पे सब पे केस वापिस ही बोल लिया गया देखो भाई देखो वो तो सरकार का हाथ में बात है लेकिन हमारी का भी वापिस हो जाएगी केस तो अब ये धरना समाप्ति समाप्त कब होगा भाई समाप्त हो जाएगा 3 बजे दान संस्कार हो जाएगा भाई समाप्त है और यह हमारी कहा करा भाई किसान कौम की लड़ाई कदे भी खत्म नहीं होता किसान कौम तो इसी कौम है भाई आंदोलन के बाद एक दिन भी घर नहीं बैठी है लड़ाई अपनी जमीन की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई होगी कि अपने घर बैठने कौन दें दी कदे पेगम हो गया कदे शायद लाडुआ में भी है शायद सरकार कब्जा करना चाहो और भाई मैं तुम्हें कहूँ किसान कौम है अगर तुम इबी नहीं जाएंगे तो सबका नंबर आना का कोई आज बटन पर हो कोई कितने भी गाँव में सबका नंबर आओगे सब में समलेती जमीन है अगर आपने ईब एक होकर लड़ाई लड़ ली तो ठीक है नहीं आपने सब कह रहे अडानी अंबानी के कारोबार होगा नहीं आपने इनका दिहाड़ी करनी पड़ेगी नहीं अपनी खेती भी भाई जान लग रही है अगर आपने बचानी है तो एक होकर लड़ना पड़ेगा या कोई भी संगठन होया मैंने नहीं कहती मैं चढ़ूनी संगठन था कौन सा भी संगठन होगा सबने एक होकर लड़ना पड़ेगा बंदी झाड़ू भाई सारा काम ये जब जो किसानों पे केस हुए है वो किस आधार पे किए गए तना सही किसान थे कोने 25 किसानों पे केस बोल रखे थी बता जी थोड़ा कोई था नहीं लाठी ले रहे थे डंडे ले रहे थे हथापाई नहीं करी नहीं थी तो उन्होंने बता केस किस उस पर करे थे तो प्रशासन ने या अपनी गलती स्वीकार की या नहीं की कई करेगा प्रशासन की तो सारी गलती थी यार किसान की तो गलती थी नहीं किसान ने तो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया किसी में वो एक बात कही थी भाई हमारे कागज देख लो कागज इनने देखे को नहीं तानाशाही थी भाई तानाशाही की वजह से इनने सोचा अपना बचाव करने के लिए कि भाई वो इसने जहर खा लिया आत्महत्या होगी अपना बचाव करने के लिए गाँव के 25 किसानों पर केस कर दिया इसने जिसमें क्यों किसान और थे भी को नहीं उन पर केस कर इसने लेकिन सरकार की तरफ से एक चीज और देखने लग रहे हैं कि हर गांव का स्कूल का आगे एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया जा है वो के फंडा रहे जो स्कूल ने मैं अपने गांव ने जमीन दी थी भाई हमारे बच्चे इसमें स्कूल बनेंगे हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे लेकिन तानाशाही सरकार ने भाई किसे कोई सरपंच है गाँव में दल्ला में तो जमा साफ नाम लेंगी ये सरपंच है नहीं जो ये सरकार के दल्ले बन के ये साइन करे हैं और स्कूल वाली जमीन इनकी सरकार का नाम करवा दी क्या सरकार भाई मैंने दे के गई थी गांव की सजली संपत्ति है या स्कूल ना की जमीन और मारा के इस पे हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना कि इसमें कोई गोदाम बनने देवांगे मामे ये पीछे ही एक न्यूज पेपर में एक न्यूज आ रही थी कि गवर्नमेंट 90% सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है सिर्फ ओनली 10% रह गई हाँ सो स्कूल ना की तो उसने खट्टर ने बोलो कि टीचर ज्यादा हो गए अध्यापक मेरा टीचर कौन है अध्यापक कौन है इस अनपढ़ सरकार बिठा दिया हमारे दो मुख्यमंत्री बना दिया यू कदे तो नु कहे झाड़ी पे अमरूद लग गए हैं कदे भाई यू टीचर कवे कदे अध्यापक इसने नुए नहीं बेरा कौन टीचर कौन अध्यापक बच्चों का इसने बेरा नहीं भाई अमरूद का नहीं बेरा इसने कड़े लग गए हैं इमा मैं क्या करा ताले तो मामने लाने पड़े इसने हमारा स्टाफ स्कूल में बैठा दिया अगर
न्यू स्कूल का ताले लग दे रहे तो अपने बच्चे फिर अशिक्षित रह जाएंगे, तो इनका सवाल कौन करेगा? यह चावे सरकार नु है इस देश कौन पढ़ करके ने और गुलामी दोबारा से देश गुलाम होने जा रहे। पहला तो हमें विदेशा गल है, विदेश ने के गुलाम करे थे कि भाई हमने उस तक लड़ाई लड़ दी, ये काले अंग्रेज हमारा देश में पैदा हो गए, हमने दोबारा से गुलाम कर रहे हमारे देश को। ये भाई देखो मैं इस बात में एक बात करना, आपका उन्हें स्कूल बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया जो ये सरकारी मास्टर लग रहे हैं, क्योंकि भाई देखो हमारे परिवार में तो मास्टर इनके बालक प्राइवेट स्कूलों में जाओगे और गरीब आदमी का बालक जाओगे सरकारी स्कूलों में। सबसे बड़ी बात है, मैं सरकार से यह बात कहूँ जितने भी सरकारी मास्टर है सबके बालक सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए और उनका प्रूफ होना चाहिए भैया तुम सारी सरकारी स्कूलों में पढ़े, जब ये सरकारी स्कूलों का सुधार उसको जब ये हमारे बड़े किसान कौम के बालक सरकारी स्कूलों में जा सके। नहीं तो भाई ये बड़े बड़े हल्ले हुए 90-90 लाख रुपये प्राइवेट स्कूलों में बिठाए थे अपने बढ़कर, और भाई हमारे मर के मजदूर के बालक जावे सरकारी स्कूलों में ना ये ध्यान देंदे। और सबसे बड़ी बात है जितने भी सरकारी मास्टर है सारे भाई सरकारी स्कूलों में इनके बालक पढ़ने चाहिए, प्रूफ है जब भाई सरकारी स्कूलों का सुधार होगा, नहीं सुधार नहीं होता, नहीं अपने बड़के भाई नुए भाई बालक अनपढ़ रहे। लेकिन गवर्नमेंट तो खुद अपने आप बोल रही है कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा उसको 1100 रुपए दिए जाएगी, ये अपनी कमी है भाई और किसकी कमी है? जब अपना थोड़े पीछे अपना बालक ने बढ़िया शिक्षा देवांगे नू को नहीं जानते भाई सरकारी स्कूल में जाएगा मास्टर उनकी कान खींचने पड़ेगे। खुद हमारा परिवार में तो 9 बालक सरकारी स्कूल में जाओ ताड़े दिन जाओ नू पूछ के आऊँ, जब पूरा टॉर्चर करके आना पड़े जब अपना में कमी जब ये फायदा उठावे नहीं बैठे बैठ के कौन फायदा उठा भाई। देखो इस इन चीजा का देखो भाई मैंने कल भी वीडियो में एक बात बोली थी, कोई भी संगठन हो सबने एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई। आज तो डूनी की न्यारी लड़ाई को नहीं मारे प्रधान जी की, और न्यारे जोगिंदर नैनर इसकी न्यारी लड़ाई को नहीं, जो दलबीर अंकल बलबीर अंकल की कोई न्यारी लड़ाई को नहीं, प्रधान जी का कोई न्यारी जमीन को नहीं अड़े ना प्रधान जी ने कुछ मिलता है, सब एक होकर लड़ा गए तो ठीक है, नहीं भाई रोज पीटे जाइयो, आज बटन पर आड़े लड़े कल पे गाले को हर जगह नुए मरते रहोंगे नुए लठ खाते रहोंगे, अगर एक होकर लड़े तो ठीक जीत जाएंगे नुए डंडे खाते रहियो। और भाई कब तक हमारे पर गेड़े गए 50 है 100 है 200 है ये कड़े डाले भाई ओड़े अड़ जाए, और कितने भाई घर में बैठे कुछ नहीं है तो हमने भी तारी भी जमीन खुश होने वाली माना फिर नू ना कहो भाई ये तो डुन्नी के संगठन वाले नू थे भाई, सबने एक होना होगा जब ये लड़ाई जीती जाओगे, नहीं भाई सबका नंबर आना है भाई न्यारी किसान कौम की लड़ाई खतर को। एक बात और सुनना हो कि यू तो जमीन का मामला इनका आपसी मैटर था भाई, अगर जमीन का इतना बड़ा होता तो सारा गांव राम उठ के आ रहा है, और कितनी दूर तक पेवा कुरुक्षेत्र पंजाब तक के भी आदमी रहे भाई उनका की न्यारी जमीन थी, सारे आदमी उठ के आ रहे भाई ये सबकी लड़ाई थी कोई सांझ या तो भाई काकर नहीं भाई। एक बात आ कुछ बीजेपी के आदमी बैठे हैं गांव में, जेजेपी के वे दल्ले थे उन्होंने सोचा भाई इन पर जमीन खोस ले रहे जमीन सरकार में भी जाए, जब तो अपना नाश होना अपना आड़े पैर खींचने लग रहे हैं और उनको कहे भाई इसका नहीं जमीन रहनी चाहिए सरकार में भी जो भाई नाश किसका हुआ अपने ना नाश होता होगा, इस फूट की वजह तो लोग फायदा उठाने लग रहे सरकार अपना फायदा उठाने लग रहे, कोई भाई आपसी लड़ाई नहीं थी सिर्फ सरकार के लिए लड़ाई थी भाई, कोई एक आधा बीजेपी का जेजेपी का नया चाल चल रही थी लेकिन यह कामयाब। लेकिन इन किसानों को बचाया कैसे जाएगा अगर सही देखे तो? सबने एक होना पड़ेगा, एक ओ का और सोच समझ का कदम उठाने पड़ेगा, नू नहीं भाई इसकी इसका गला गलत हो गया तो भाई यो इसका गला तू लगेगा, सारा गांव राम ने उठना पड़ेगा जब यहाँ पे लड़ाई जीत सका, नहीं भाई देखो ये मेरा गला लगी तो मैं उठूंगी भाई और दूसरा को नहीं उठेगा, जब सब गला यार लड़ाई अपनी एक भाई समलाती जमीन हर गाँव में है, ये भाई कई गाँव में जड़े जमीन थी जड़े नोटिस आ गए वे गाँव उठ लिए, जिन गाँव में नोटिस नहीं वे गाँव लग तू बैठे नुको वगैरह हम कहा कई बार गाँव में जाकर भी तारा गाँव में नुआ होगा नुको हमने जुटते को नहीं मारा नोटिस है को नहीं रहे भाई नोटिस आओगे जब उठोगे जब बिना नोटिस आने तो पहले उठाएंगे जब यहाँ पे सरकार पर दबाव दे सका हम। इस कमीन पर भाई मेरे क्यों कुआ हुआ सारी, मैंने तो इसकी नाम तब इतनी नफरत होगी जो अपने दादा बाबू का किसी का होया नहीं, वो किस कौम का के मारा होगा जो आदमी वोट लेने का मेरा पड़ जाए अपने तो अगर मतलब चूल्हे का अगर रोटी खा खा कर जाकर दराज उसने एक मारा परिवार का आदमी मर गया जवाब एक नू भी नहीं कहने जो गया अभी ताऊ तेरी साथ कुछ भी नहीं उसने एक वर्ड भी नहीं कहा भाई इसी से मतलब राजनीति का भाई लात मारण में फायदा मम तेन कहा ना टेम है और बटन पर कर भाई निर्वाणा कल मैं कहूँ इस कमीन का तो पत्ता साफ कर दियो अड़ता मनजीत भाई राम राम कह रहा नहीं केस 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 का बारे में अच्छा पानी गुजर दिया भाई साहब हमें बोर्ड के राजी कौन से बहुत हो जाए ले हैं बार बार इन जनता ने डराने खातर केस लगाओ झूठे नाइन पर सबूत है हाँ। किसी बात का कोई सबूत कौन लेकिन हम जो चाहूँ मारे बाहर रखने की नौकरी जान देगी बड़ी मुश्किल से नौकरी अगर जो हमने कोर्ट में इनके खिलाफ और केस ठोक दिया अगर मार ऊपर मतलब 420 का इनका ऊपर केस भी बनाएगा माना नहीं जाता भी सुरक्षा में चाहे DSP भी हो DSP ने परमिट क्यों मिल गया कि किसी पर बिना कसूर किसी के ऊपर केस डालते लेकिन हम फिर भी नहीं सोचा DSP मारा है श्रेठ है मारा है बच्चा है आइंदा अगर बिना कसूर
पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन लिया बात, बिना कसूर अगर किसी पर केस भी डालें नहीं अब की बार कोर्ट में खिलाफ केस डालेंगे, यह भी वादा हो गया पक्का। बस बहुत हो गया से गुजर लिया है, कहीं भी जाए पांच नाम जायद है 17 ने, पांच नाम जायद है 17 ने, कई फंड बना रखे यू सही बोल रहे हैं। राम राम आगर जी। हाँ नमस्कार जी, देखिए 5 दिन हो गए जो यू मामला था किसान का। सबसे बड़ी जीत तो ये है हमारी कि प्रशासन का कमेटी का एक भी जवाब नहीं दे सके सवाल का। तो कमेटी की जीत सबसे बड़ी तो यही है हमारी। और जो सबसे बड़ी मांग थी हमारी किसान की जमीन, जिसने उस किसान ने शहादत दी है, कुर्बानी दी है, वह जमीन वो किसान बोवागा, तो इससे बड़ी जीत क्या होगी? मतलब आपने जीत हासिल कर ली आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग में नहीं, कोई भी मामला हो किसान जीत के अगर गया है। और ये मैंने पहले दिन कह दिया था, जिस दिन गांव में गए थे कागज देखे थे किसान के, वे कागज सही थे। सरदार गुलाम चौधरी ने कह दिया था ये कागज जुमला मुश्तका जमीन के हैं, जो कारी मौत बाजड़ा में थे, वही मामला ये जमीन का है। ये जमीन किसान की रहेगी, किसान की है और थी, और प्रशासन ने बोल दिया ये जमीन किसान बोएगा जिस पर कब्जा है, हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आपने देख लिया, तो आगे मिलते भैया अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।